श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैंने मेरे टेरेस गार्डन पे कुछ शीट्स लगाए थे। कुछ शीट्स मैं मीशो से मंगवाई थी और कुछ शीट्स मैं मेरे टेरेस गार्डन से ही कलेक्ट करके लगाई थी। मैं अभी आपको वो दोनों दिखाऊंगी। यहाँ ये फ्लावर शीट्स थे। ये मेरा मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट है, इसे मैंने मीशो शीट से ही लगाया था। ये टमाटर का है, इसे भी मैंने मीशो शीट से ही ग्रो किया था। मैंने 3 डब्बे में लगाया था, लगभग तीनों अच्छे से हो गए हैं। यहाँ सदाबहार के सीडलिंग्स हैं, इसे मैंने इस प्लांट से कलेक्ट किया था। ये लगाना बहुत आसान है, इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हो और इसके शीट से भी लगा सकते हो। अगर एक बार ये पौधा आपके गार्डन में लग गया तो इसमें बहुत सारे शीट्स होते हैं, आप उससे फिर नए प्लांट आसानी से ग्रो कर सकते हो। ये मेरे रोज़ के कटिंग थे, इसे मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया था। यहाँ इसमें मैंने रोज़ के शीट्स लगाए थे, ये भी मैंने मेरे टेरेस गार्डन से ही कलेक्ट किया था। अभी इनमें सीडलिंग शुरू नहीं हुई है। ये मेरा प्यूटीनिया का प्लांट है, आप देख सकते हो यहाँ कितनी सारी कलियाँ आ रही है। ये मेरा मेथी का पौधा है, इसे मैंने मेरे किचन में जो हम नॉर्मली मेथी यूज़ करते हैं उससे ही लगाए थे। ये मिर्च का है, इससे भी मैंने जो घर में लाल मिर्च यूज़ होते हैं उसके बीज से ही लगाए थे और ये सारे लग गए हैं। ये संध्या मालती, इसे 4 o'clock या मिराब्लिस भी कहते हैं, इसे मैंने कटिंग से लगाया था। आप इसे 3 तरीके से लगा सकते हो, कटिंग से, जड़ से या फिर आप इसके बीज से भी। अगर ये एक बार लग गया तो ये परमानेंट आपके गार्डन में रहेगा। इसमें बहुत अच्छे फ्लावर होते हैं और ये सालों साल फूल देता है। इसके बीज ना देखिए इस तरह के होते हैं, काले मिर्च की तरह दिखने में। जब ये काले हो जाए ना तब आप इसे लगा लेना। अगर ये हरा रहे तो उससे आपके पौधे तैयार नहीं होंगे। ये एक बार अगर ये लग गया ना तो आप इसे खुद ही बहुत सारे सीड कलेक्ट कर सकते हो और नए पेड़ तैयार कर सकते हो। ये बिल्कुल लेस केयर प्लांट है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इसमें बहुत खाद डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये एक बार लग गया तो बस आप इसमें 1-2 महीने में मिट्टी की गुड़ाई कर बस पानी डालते रहो आप, इतने में ही ये बहुत अच्छे से फूल देगा। इसमें ना सालों साल फूल आते हैं। बीज जब हरे हो तो उन्हें कलेक्ट नहीं करना है, हरे बीज से प्लांट तैयार नहीं होंगे, सिर्फ काले बीज ही लेने हैं इनके। ये मेरा मीशो वेजिटेबल शीट्स है, इसे भी मैं कुछ दिन पहले लगाई थी। ये शायद बैंगन का सीड था। ये ग्रो बैग भी मैंने किचन वेस्ट से ही तैयार किया है और इसमें मैंने किचन वेस्ट ही भरे हैं। यहाँ तक मैंने इसमें किचन वेस्ट भरा है, फिर ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाली है। 2 महीने में ये बहुत अच्छा कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगा। इसे भी मैं ऐसे ही भरूंगी, ये बड़े बेल पौधों के लिए अच्छे हैं।